वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए दो फ्लैट्स एक बिल्डिंग के अंदर, जो कि एक दो स्पेसिफिकेशन के साथ जो मिल जाता है आपको, एक 2 BHK एक 3 BHK। तो ये है हमारा नीतिखंड 1 जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, और ये जो हमारी मेन रोड है ये एक 50 फीट की रोड है। नीतिखंड की एक मेन रोड है पूरे नीतिखंड 1 के अंदर, जो आपको बीच से स्पेसिफाई करते हुए मिल जाती है। तो ये है हमारी बिल्डिंग जिसमें हम देखेंगे आपके जो भी आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं वो। तो ये है हमारा एंट्री। एंट्री करने के साथ ही हमें जो मिलता है नीचे वो मिलता है हमारा पार्किंग एरिया, एंड देन पार्किंग एरिया के साथ ही हमें यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ऊपर फ्लैट पे, थर्ड फ्लोर पे। हम बेसिकली इस पूरे बिल्डिंग में आपको सिर्फ दो ही फ्लैट बचे हैं खाली 3 BHK के अंदर, और दो ही यूनिट बचे हैं आपके 2 BHK के अंदर। तो ये जो पूरा फ्लोर है उसका लेआउट कुछ इस तरीके से है कि आपको जो फ्रंट साइड है, जो बालकनी वाला साइड है, वो आपका 2-3 BHK हैं, और जो पीछे वाला साइड है उस तरफ आपको 3 2 BHK मिल जाते हैं। तो जो आपका 3 BHK मिलता है वो आपको मिलता है 1250 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, एंड जो आपके 2 BHK हैं वो आपको मिलते हैं आपके 800 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आपके फ्लोर पे आपको स्टेयर्स मिल जाते हैं, देन आपको लिफ्ट मिल जाती है आपके पार्किंग एरिया से ऊपर आने के लिए। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो 3 BHK है वो, जो कि आपका 1250 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा एंट्री। जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री करते हैं तो जो हमारा फ्लैट का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है कि एंट्री करते साथ ही हमको मिलता है हमारा लिविंग एरिया, जो कि काफ़ी एक अच्छा स्पेशियस लिविंग एरिया है। उसी के साथ ही साथ हमको आपका मिलता है पहला रूम, एंड आपके दो रूम जो फ्रंट में आपको मिलते हैं बालकनी से अटैच्ड। आपको बाथरूम मिल जाते हैं, एक कॉमन बाथरूम मिलता है, एक आपका अटैच बाथरूम मिलता है जो आपके फ्रंट साइड में जो रूम है उससे अटैच, और आपको इधर किचन मिल जाती है। तो यही हमारा फ्लैट है, एक 3 BHK फ्लैट है इंद्रपुरम के अंदर विद फॉल्स सीलिंग। और ये जो पूरा फ्लैट है इसके अंदर आपको कंप्लीट एक टेक्सचर्ड पेंट मिलता है, कहीं भी आपको कोई भी वॉलपेपर यूज़ नहीं करा गया है। ये जो पूरी वॉल है, ये जो फ्रंट वॉल है, आपका जो फॉल्स सीलिंग है ऊपर है, वो सारा का सारा आपको एक टेक्सचर्ड पेंट के साथ मिलता है। तो इस फ्लैट के अंदर जितना भी डिज़ाइन है आप उस डिज़ाइन को देखिए, वो डिज़ाइन पूरा का पूरा आपका इस तरीके से बनाया गया है कि वो सारी चीज़ें मैच करती हैं। आपका जो टाइल्स हैं नीचे, आपका जो वॉल का जो टेक्सचर्ड पेंट है, आपका ये जो आउटलाइन है, जो वुड की जो आउटलाइन है वो, फिर चाहे वो आपके जो गेट के जो पैनल्स हैं इनकी आउटलाइन हो गई, या फिर आपका जो किचन का एरिया है उसकी आउटलाइन होगी, वो पूरा का पूरा एक मैच करता है। एक आपकी जो कह सकते हैं जो एक प्रीमियमनेस है एक फ्लैट के अंदर, उस चीज़ को मैच करता है। तो ये है हमारा फ्लैट। हम देखते हैं हमारा जो पहला रूम है उसमें आते हैं। तो पहले रूम के अंदर आने के साथ ही आपको सामने आपके वार्डरोब मिल जाते हैं, जो कि टू साइडेड वार्डरोब है, वुडन वार्डरोब है कम्प्लीटली। तो ये एक पैनल की तरह आपको मिल जाता है, आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना बेड इधर सेटअप कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक वुड का ये टीवी पैनल मिल जाता है जहाँ आप अपने टीवी लगा सकते हैं। आपको जितना भी पूरा मतलब वॉल्स हैं वो सारे टेक्सचर्ड पेंट के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी वॉलपेपर नहीं है। आपको फैंस मिल जाते हैं सारे रूम्स में। ये जो फैंस हैं लिविंग एरिया में, आपको दो फैंस मिलते हैं। तो ये जो फैंस हैं वो सारे हेवल्स कंपनी के हैं, और आपको जितनी भी आपकी जो सैनिटी वेयर और जो टैब्स पैनल हैं वो सारे के सारे आपको जैगुआर से मिलते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है, बहुत ही अच्छा आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 3 BHK के अंदर। आपके सैनिटी वेयर हैं वो सारे के सारे आपको एक अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। एंड ये आपका बाथ सेक्शन हो गया, जो आपका एक कॉमन वॉशरूम है ये वो है, उसमें आपका जो बाथ सेक्शन है वो एक सेपरेटेड है। आपको यहाँ पे शावर मिल जाता है, शावर पैनल। तो ये हमारा था कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के आगे जैसे ही हम आते हैं अपने लिविंग एरिया में ही, तो हमें लिविंग एरिया में ही आपका एक पूरा जो मेन आपका जो घर का जो टीवी पैनल है वो मिल जाता है। आप अपना सोफ़ा, एक एल शेप सोफ़ा इधर लगा के आप अपना टीवी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपना एंटरटेनमेंट। तो फ्लैट कुछ इस तरीके से है। अब हम आते हैं हमारे किचन में। किचन एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है। किचन के साइड में ही आपको एक डिज़ाइन के लिए काफ़ी अच्छा फील देने के लिए ये बनाया गया है। तो ये रहा हमारा किचन, जो कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है। आप देख सकते हैं यार कि ये जो आपका टाइल्स लगाए गए हैं वो सारे सारे आपकी जो किचन की जो पूरी एक फीलिंग है, किचन की जो एक वाइब है, उसको किस तरीके से मैच कर रहा है। यहाँ पे आपका जो ग्रेनाइट का ये जो स्लिप पड़ी हुई है, वो आपके जितने भी ये डोर्स हैं वो सारे के सारे एक टॉप क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं। टेक्सचर्ड पेंट, आपका फॉल सीलिंग जो कि वुडन वर्क के साथ आपको मिलता है,
आपका किचन में है, आपको चिमनी इंस्टॉल्ड मिलेगा बिल्डर की तरफ से, उसी के साथ आपके किचन में आपको एक विंडो मिल जाती है जो कि शाफ्ट की तरफ खुलती है, तो आपका जो एग्जॉस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो आपको यहाँ पे चिमनी लगा हुआ मिलेगा। ऐसे फ्लैट्स में आपको एक 3 BHK के स्पेसिफिकेशन में 1250 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के साथ, इतने ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ, इतने ज़्यादा आपके ऑप्शंस के साथ फ्लैट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे फ्लैट्स हम आपके लिए लेके आते हैं अपने प्रीमियम बिल्डर्स के साथ। अब हम आते हैं हमारे सेकंड रूम में। सेकंड रूम में आते हैं तो हमें हमारा जो फ्रंट वॉल है वो मिल जाता है, जो कि एक टेक्सचर्ड पेंट है, आपका वार्डरोब हमें मिल जाता है, आपका टीवी पैनल मिल जाता है, और हमारा अटैच बाथरूम मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा जो बालकनी है उससे हमें आपकी विंडो मिल जाती है, तो आपकी विंडो से आप अपना फ्रेश एयर, आपका सनलाइट, वो सारी की सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं अपने विंडो की मदद से। तो ये है हमारा रूम जिसमें आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, उसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वार्डरोब मिलता है वो वार्डरोब पूरा वुडन वार्डरोब है, एक काफ़ी स्पेशियस एंड बड़ा वार्डरोब है, तो आपको जगह की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। फैन सारे हेवल्स के हैं, और ये जो हमारा बाथरूम है वो एक काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है। इस बाथरूम के अंदर आपको जो टाइल्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, पूरा का पूरा एक होटल वाला फील देते हैं ऐसे बाथरूम जो आपको मिलते हैं। आपके सैनिटी वेयर, आपके सारे के सारे जितने भी ये जो टैप पैनल है वो सब आपको जगुआर कंपनी से मिलते हैं। आपके जो डोर क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपका जो टीवी पैनल है वो मिलता है, वो एक वुडन टीवी पैनल है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कराया गया ये टीवी पैनल है। उसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट रूम देखते हैं, जो है हमारा जो तीसरा रूम है वो। तो जब हम अंदर आते हैं तो सामने हमारा लिविंग एरिया, लिविंग एरिया के साइड में हमने अपना पहला रूम देखा, एंड उसी के साथ हमारा जो हमारा सेकंड रूम है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रूम, जो कि किचन के साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस रूम के अंदर आते हैं तो हमारा जो पहला हमें वॉल मिलता है फ्रंट वॉल, वो सारा एक टेक्सचर्ड पेंट का साथ वॉल है। अगेन ये जो टेक्सचर्ड पेंट है वो कुछ इस तरीके से करा गया है कि आपके फ्लैट के अंदर की आपकी जो टाइल्स हैं, आपके जो फैंस हैं, आपके जो वुडन का जो इंटीरियर का काम कराया गया है, वो सारा का सारा इस तरीके से करा गया है कि आपको एक प्रीमियम फील देता है। आप कहीं से भी ये फील नहीं करते हो कि ये जो मेरा फ्लैट है इसमें थोड़ी बहुत कहीं भी आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक चीप फीलिंग आ रही है ऐसा कुछ है। तो ये जो हमारा थर्ड रूम है इसके अंदर भी आपको विंडो मिल जाती है, आपको नेट विंडो मिल जाती है, उसके बाहर ही आपको ग्लास विंडो भी मिल जाती है, तो आप ये अपनी खिड़की खोल के लाइट सनलाइट अपना फ्रेश एयर के लिए कर सकते हैं। एंड देन उसी के साथ हमें यहाँ पे एक वार्डरोब मिल जाता है, जो कि एक अच्छा स्पेशियस वार्डरोब ऊपर सेक्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये सारा का सारा रूम, ये जो पूरी फील देता है आपको। अब हम चलते हैं अपने बालकनी में देखने के हमें बालकनी किस तरीके से मिलती है। तो अब जैसे ही हम अपने इस रूम का गेट खोलते हैं तो हमें मिल जाती है हमारी बालकनी, एक स्पेशियस बालकनी आपको मिलती है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है, जो बालकनी है वो बहुत ही आपको मतलब एक स्पेशियस उसमें मिल जाता है। आप यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री भी सेटअप कर सकते हैं अपनी बालकनी में, वहाँ पे टैप मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बालकनी के अंदर। सिंस ये काफ़ी ह्यूज बालकनी है, आपका जो ये 50 फुट का जो रोड है, ये जो नीतिगंज वन में आप इंजॉय कर सकते हैं शाम को यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठना, आप अपना छोटा सा गार्डन भी बना सकते हैं इसी बालकनी में। तो ये रहा आपका नीतिगंज वन के अंदर जो 3 BHK के स्पेसिफिकेशन के साथ है वो। हम इसी के साथ अपना 2 BHK के स्पेसिफिकेशन के साथ वाला फ्लैट देखेंगे, बट उससे पहले मैं जो बताऊँगी यहाँ पे आपको जितनी भी हम फ्लैट्स आपके लिए लेके आते हैं वो सारे के सारे फ्लैट्स हमारे जो बिल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बनाए गए फ्लैट्स होते हैं। तो ये था हमारा जो फ्लैट का लेआउट था, फ्लैट का जो स्ट्रक्चर था, इस तरीके से दो रूम हमारे फ्रंट की तरफ। वो यहाँ पे जितने भी आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मिलते हैं वो सारे एक अच्छे कंपनी के मिलते हैं। आपको जितने भी स्विच बोर्ड हैं ये सब एक फिलिप्स के मिलते हैं, आपके फैन सारे हेवल्स के मिलते हैं। आपको जो आपका स्प्लिट एसी है उसकी जो प्री रिक्विजिट इंस्टॉलेशन की जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्डर उसका प्रोविज़न करके देते हैं। तो सिंस आपको अगर आप अपने एसी को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े बिना इसको बिगाड़े हुए। ये आपको आपका जो रूम है उनमें भी मिल जाते हैं, आपके कॉमन एरिया में भी मिल जाते हैं। आपको पूरी एक प्रीमियम फॉल सीलिंग मिलती है इस रूम के अंदर, जो कि 1250 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये फ्लैट है वो। अगर हम लोकेशन की बात करें इस फ्लैट के, तो ये नीतिगंज वन में पड़ता है, वन ऑफ़ दी बेस्ट लोकेशन इन इंदिरापुरम, क्योंकि यहाँ से आपके जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, शिप्रा मॉल,
आदित्य मॉल, वो सारे बहुत ही ज़्यादा पास हैं। आदित्य मॉल आपको एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाता है। आपका स्वर्ण जयंती पार्क, आपका हाथी पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क जो इंद्रापुरम का सबसे बड़ा पार्क है, हाथी पार्क अपने वॉक्स के लिए आप अपने मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि जस्ट आपके वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाते हैं। तो ये था हमारा 3 BHK फ्लैट इन नीतिगंज 1 लोकेशन पे, अब जो कि 1250 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अब हम देखेंगे हमारा 2 BHK। तो मिलते हैं हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।